देश में बेरोजगारी के हालात कितने विस्फोटक हो चले हैं इसकी बानगी आज यूपी के बुलंदशहर में देखने को मिली। यहीं महज 5,000 रुपए की नौकरी के लिए साक्षात्कार देने वाले युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। साक्षात्कार के लिए जमा हुई बेरोजगार युवक युवतियों की भारी भीड़ की यह तस्वीर है बुलंदशहर विकास भवन की। दरअसल आज बुलंदशहर विकास भवन में बुलंदशहर के 16 ब्लॉकों में नेहरू युवा केंद्रों के लिए 4-4 वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए साक्षात्कार किया गया। सिर्फ 64 वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए 600 युवाओं को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। खास बात यह है कि मैट्रिक योग्यता वाली महज 5,000 रुपए की अस्थायी नौकरी के लिए एमए, एमएससी, डबल एमएससी, बायोटेक, पीटीसी, बीएड डिग्री धारक युवक युवतियां साक्षात्कार देने के लिए पहुंचे। महज 5,000 रुपए की नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए पहुंचने वाले युवाओं को अपनी डिग्रियां और डिप्लोमा देखकर अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन हाई क्वालिफाइड या युवक युवतियां यह कहकर जरूर संतुष्ट दिखे कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। हालांकि युवक युवतियों की सिफारिश से 5,000 के मानदेय वाले मामूली नौकरी को भी बैकडोर से भर लिए जाने की चिंता है। बहरहाल या तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हाई क्वालिफिकेशन होने के बावजूद इन युवक युवतियों को 5,000 की मामूली नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन आज उमड़ी बेरोजगारों की भीड़ ने सरकार के रोजगार को लेकर किए जा रहे तमाम दावे और वादों पर जरूर सवालिया निशान लगा दिए हैं। संवाददाता अमित राणा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। इमरान, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मेरी डबल एमएससी हो चुकी है। अच्छा, मास्टर डिप्लोमा भी है मेरे पास में बायोटेक का। अच्छा, बायोटेक और एमएससी फर्स्ट डिवीजन से? केमिस्ट्री है, फर्स्ट डिवीजन से विद ऑनर्स। आप यहाँ क्यों आए हैं जी? हम और ये साक्षात्कार के लिए आप यहाँ आए हैं, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी नौकरी की? इस साक्षात्कार के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th क्लास रखी गई है, और यहाँ पर 10th क्लास से लेकर के हायर क्वालिफाइंग बच्चे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि 5,000 पर मंथ का मानदेय है। उसमें आप कोई क्लेम भी नहीं कर सकते कि हाँ हमारी अगर सैलरी नहीं आई तो सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये परमानेंट जॉब नहीं है? जी नहीं, ये परमानेंट जॉब नहीं है, सिर्फ 2 ईयर्स के लिए है। ऐसे एक तरह से आप समझिएगा, एक तरह का ये आपके साथ में एग्रीमेंट है 2 ईयर्स। अच्छा, यहाँ ये कुछ जानकारी अगर आपको हो तो कुल टोटल यहाँ पदों की संख्या कितनी है, और लगभग कितने लोग यहाँ साक्षात्कार के लिए आए हैं? यहाँ पर 600 लोगों को बुलाया गया है, और करीब 34 पद है, हर ब्लॉक से 2 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सरकार के लिए आप हाई क्वालिफाइड हैं, सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं कि 5,000 की नौकरी करे युवा, क्या संदेश देना चाहते हैं उनके? एक कहावत है, ये कहावत है कि जो बेरोजगार युवा है वो ये सोचेगा कि कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसी सोच के साथ में युवा जो लो क्वालिफाइड है, जो हाई क्वालिफाइड है, वो सभी इसमें हर तरह के साक्षात्कार में भाग लेने के लिए छोटी से छोटी नौकरी के लिए चल पड़ते हैं। सबसे बड़ी मेन वजह यही होती है, और हम सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज के युवा के भविष्य के बारे में सोचा जाए, उनके रोजगार के बारे में सोचा जाए, जिससे कि हमारे देश को नई ताकत मिल सके। थैंक यू। सभी को नमस्कार। क्या नाम है आपका? बीएस कुमार। क्वालिफिकेशन क्या है आप? मेरी बीएड फाइनल है, मैंने बीएससी एमए बीएड फाइनल करके टेट क्वालिफाई कर रखा है, और आईटीआई भी कर रखी है। अच्छा, आप यहाँ आज यहाँ पर आए हैं साक्षात्कार देने के लिए, किस पद के लिए साक्षात्कार है, और कितना वेतन आपको मिलेगा इसमें? 5,000। पद क्या है? वॉलंटियर का। अच्छा, तो आप हाईली क्वालिफाइड हैं। अफसोस होता है यहाँ पे आने पे कि इतनी ढेर सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी कि हमें एक वॉलंटियर के पद के लिए इतना लाइन में लगना पड़ रहा है, अफसोस होता है बहुत ज्यादा। सरकार से कुछ कहेंगे? जी, सरकार से मैं यही कहूंगा कि सरकार वेकेंसी को नहीं निकालती। अब इलेक्शन आता है कि हम ये करेंगे, इतने पद उसमें निकाल रखे हैं कि 5,00,000 पद उसमें खाली है, 1.5 लाख वैकेंसी देंगे, कहाँ है वो वैकेंसी होती है? तो वॉलंटियर के पद के लिए मेरे भाई बहन इतने हैं, देखो पीछे कितने हैं, तो ये 5,000 की सैलरी के लिए इतना वो करते। कितने पद हैं, कुछ जानकारी है कितने पद हैं? 12,000 ऑल इंडिया। नहीं, बुलंदशहर में कितने पद? 34। और यहाँ साक्षात्कार के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए? कम से कम 600-650। उम्मीद है आपको कि आपका हो पाएगा? कंफर्म नहीं, 5,000 की नौकरी पे कंफर्मेशन नहीं है कि हो जाएगा। हाँ, अगर ये रियलिटी में लेते हैं, रियलिटी में जो लेते हैं वास्तव में, जिसके पास, मैं अपना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, अगर ये रियलिटी में लेते हैं तो मेरा हो जाएगा पक्का। अगर ये आपको क्यों लग रहा है कि रियलिटी में नहीं ले रहे? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे ज्यादातर जो नेता लोग आते हैं, फोन वोन जो आते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, देखा है मैंने ऑफिस में जाके, बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत नेता लोग आ रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि मेहनत वाले के हम हो। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर आज आई हैं, क्यों आई हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं एम कंप्लीट हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आई हूँ वैलेंटाइन का। अच्छा, कितना वेतन आपको मिलेगा? जी 5,000। ये परमानेंट है कि टेम्परेरी? आप इतने हाई क्वालिफाइड हैं, आप 5,000 की नौकरी के लिए यहाँ लाइन में लगे हैं, कैसा महसूस आपको हो रहा होगा? बुरा महसूस हो रहा है। सरकार को नहीं निकलती तो पब्लिक क्या करे? जो हाई एजुकेटेड है वो लोग क्या करेंगे, आएंगे ऐसी छोटी जॉब के लिए? वो तो सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ सोचना चाहिए उन्हें? जब उन्हें जब इतनी सारी जब जनता वोट दे रही है तो सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि उन्हें वैकेंसी निकालनी चाहिए। इतनी सारे लोगों ने बीएड किया है वो किस लिए कर रहे हैं? बेफालतू कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि उनके लिए वैकेंसी निकले। और वो कहीं ना कहीं 10 लाख पूरी जगह खाली है इंडिया में, लेकिन कहीं पे भी वैकेंसी नहीं निकल रही। 2 लाख पूरी यूपी में है। अच्छा, कितने कितने पद हैं बुलंदशहर में और कितने लोग यहाँ पर आए हैं? आप कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से? मैं जहांगीराबाद के पास से आई हूँ। 650 लोग आए हैं करीबन और 34 पद हैं बस। और क्वालिफिकेशन क्या है पदों की? मतलब 10th। अच्छा 10th, अहिरता 10th है। नाम है आपका? मेरा नाम मोनिशा। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं MBBTC हूँ। अच्छा, किस लिए आप यहाँ, किस कौन से पद के लिए साक्षात्कार देने आई हैं और किस पद के लिए कितना वेतन मान है? 5,000 यहाँ का वेतन मान है और हम नेहरू युवा केंद्र पे यहाँ पे आज साक्षात्कार के लिए आए हैं। अच्छा, आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? आप इतना हाई क्वालिफाइड हैं और महज 5,000 की नौकरी के लिए आप यहाँ आए हैं, तो क्या ये किस तरह का सरकार को संदेश देना चाहती हैं आप? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ मतलब वैकेंसीज हैं, जो अब इतने यहाँ पे लोग जुड़े हैं महज छोटी भी 5,000 रुपए के लिए, जब वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो प्राइवेट कोई देखेगा ही। फ्री रहने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत रोजगार हो अपने पास। मतलब आप संतुष्ट हैं इससे कि नहीं? कन्फर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। 5,000 मिनट गुजारा।